नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के गद्य भाग का एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है ल्हासा की ओर। ये इसका दूसरा पार्ट है। पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि लेखक राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत की यात्रा करने में किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहाँ के मार्ग के बारे में, दुर्गम मार्ग के बारे में लेखक ने बताया है और तिब्बती समाज के बारे में लेखक ने बताया है जो हमने पिछले भाग में समझा। उसके आगे की बात करते हैं। तो लेखक ने कहा कि दूसरे दिन हम ऊंचा जो स्थान है उसको कहते हैं डांडा, डांडा कहते हैं ऊंचे स्थान को। तो उस ऊंचे स्थान पर पहुंचे और उसका नाम था थोंडला। थोंडला पर हम पहुंच गए दूसरे दिन, ठीक है। और वहां पर एक जो भीटा है, जैसे टीले नुमा होता है, टीला होता है मिट्टी का, वैसा ऊंचा स्थान, भीटा मतलब भी ऊंचा स्थान होता है। तो उस भीटे के ऊपर जब लेखक ने देखा तो वहां ना तो बर्फ थी और ना ही हरियाली थी, यानी पेड़ पौधे नहीं थे वहां पर और बर्फ भी नहीं जमी हुई थी। ऊंचा प्रदेश था, फिर भी वहां बिल्कुल पत्थर दिखाई दे रहे थे, पहाड़ दिखाई दे रहे थे, बर्फ भी नहीं थी, हरियाली भी नहीं थी। उसी स्थान पर, उस ऊंचे भीटे पर, वहां एक देवता का भी स्थान था। उस स्थान का, उस स्थान के जो देवता थे वहां पर उनका स्थान बनाया हुआ था पूजा करने के लिए। और वहां पर वहां के लोगों की मान्यता के अनुरूप ही उस स्थान पर क्या थे, वहां पर बहुत से पत्थर इकट्ठे किए हुए थे, ठीक है ना, पत्थरों का ढेर वहां लगा हुआ था उस स्थान पर, और जानवरों के सींग वहां इकट्ठा किए हुए थे। और वहां वो स्थान रंग बिरंगे कपड़ों से सजा हुआ था, ठीक है। तो वहां देवता का स्थान था और उन वो देवता जो है उस उनके मंदिर पर, उनके स्थान पर रंग बिरंगे कपड़े सजे हुए थे, जानवरों के सींग थे और बहुत सारे पत्थरों का ढेर लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद में लेखक ने कहा है कि ऊंचे स्थान पर जाने के बाद हम आगे थोड़ी उतराई थी, आगे थोड़ी ढलान थी, तो उस ढाल के रास्ते पर लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया। तो लेखक कहता है कि जब हम यात्रा कर रहे थे, हम लोग साथ में थे और कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो घोड़ा शायद थक गया था और मैं उस घोड़े को मारना नहीं चाहता था कि मार पीट कर मैं उसको थोड़ा आगे भगाऊं स्पीड में, मैं नहीं चाहता था। तो वो घोड़ा क्या हुआ, धीरे धीरे चलता रहा और मैं भी मस्ती में उस घोड़े के ऊपर चल रहा था, ठीक है ना। तो इस क्रम में क्या हुआ कि मैं बहुत पीछे रह गया, मेरे साथी जो है वो थोड़े आगे चले गए। और उसके बाद में क्या हुआ कि लेखक ने कहा कि मैंने वहां पर दो रास्ते मुझे दिखाई दिए, जब मैं आगे गया तो दो रास्ते दिखाई दिए। और तो मैंने क्या किया, वो गलत रास्ता पकड़ लिया मैंने, ठीक है, जहां मेरे साथी गए थे वो दूसरे रास्ते से गए थे, ठीक है ना, मैंने अलग रास्ता पकड़ लिया। तो इस चक्कर में मैं काफी दूर तक गया और वापस आया, तो इस चक्कर में मैं काफी पीछे रह गया और अपने साथियों से मैं पिछड़ गया, लेखक ने ऐसा कहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार, इस क्रम में उनको शाम हो गई और शाम को अपने साथियों से वो लेखक मिला। वहाँ पर उनका एक जो मित्र था, मंगोल भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु था, सुमति नाम का जो भिक्षु था वो वहाँ इंतजार कर रहा था। और उसका लेखक ने कहा है कि मंगोल जो भिक्षु होते हैं उनका मुख पहले से ही लाल होता है और वो गुस्से में और लाल हो गया था, ठीक है। क्यों लाल हो गया था, सुमति ने गुस्सा क्यों किया, उन्होंने लेखक से कहा कि आपने कितना टाइम लगा दिया, कितना हमें इंतजार करना पड़ा, कितना हमें वेट करवाया आपने, ठीक है ना। तो वो गुस्से में हो गया और लेखक ने कहा है कि जितना जल्दी सुमति को गुस्सा आता था उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता था, ठीक है ना। तो गुस्सा ठंडा हो गया और हम आगे चलने लगे। तो लेखक ने क्या कहा, कुछ आगे चलने पर वहां पर हमें सुमति के यजमान जो थे, बहुत सारे यजमान थे, यजमान का मतलब है कि सुमति एक बौद्ध भिक्षु है, साधु है, ठीक है ना, धर्मगुरु है। तो वो क्या करता है सुमति,
उन्होंने क्या वो क्या कर रखा है, वो भी जो भी उनके हाथ में बांधने के जैसे ताबीज होते हैं, गंडे होते हैं, डोरा, कपड़े, ये सब वो बांधता है, ठीक है ना, डोरा जंतर जो भी होते हैं। तो वो क्या करता था, सुमति एक प्रकार का साधु था, बौद्ध भिक्षु था, और वो आसपास जाकर, आसपास जितने भी गांव थे उन गांवों में जा जाकर वो लोगों के क्या करता था, गंडे ताबीज वगैरह बांधने का काम, ताबीज बनाने का काम वो करता था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का एक यजमान था जिनके घर पे भी वो जाता आता रहता था, ताबीज देता रहता था। तो सुमति का एक ये जो यजमान था उसका घर हमें बीच में दिखाई दिया, और उसके घर में हम गए, वहाँ पर हमने चाय पी, वहाँ की स्पेशल चाय, और हमने सत्तू खाया और थुकपा हमने खाया, ठीक है ना, यहाँ वहाँ के व्यंजन है ये थुकपा, ठीक है। तो लेखक ने कहा है कि उस सुमति के यजमान के घर पर हमको एक तो चाय और सत्तू और थुकपा हमको मिला, ये हमने वहाँ उसका सेवन किया, और फिर उसके आगे हम फिर आगे बढ़ गए। आगे जाने पर हमको क्या दिखाई देता है, आगे हमको तिंडरी का विशाल मैदान हमको दिखाई दिया, तिंडरी का विशाल मैदान, ये स्थान का नाम है तिंडरी, ठीक है। और तो वहाँ पर वो जो स्थान था कैसा प्रतीत हो रहा था, वो हमें पहाड़ों से घिरे हुए टापू के समान लग रहा था, ठीक है। लेखक ने क्या कहा कि तिनरी का जो विशाल मैदान जो दिखाई दे रहा था, वो मैदान हमें पहाड़ों से घिरे हुए टापू के समान लग रहा था, ठीक है। तो लेखक ने क्या कहा, उस स्थान पर लेखक ने क्या कहा कि सुमति यजमानों के पास जाना चाहता था। सुमति चाहता था कि मैं इधर आसपास जितने भी गांव के जो भी लोगों के घर पड़ रहे हैं उन गांवों में मैं पहुंच जाऊं, और उन यजमानों के घर पे मैं जाकर आ जाऊं और उनको गंडे ताबीज वगैरह बांट दूं, दे दूं, ताकि उनसे कुछ मुझे दक्षिणा मिल जाए, पैसा मिल जाए, ठीक है। ऐसा कौन चाहता था, सुमति। लेकिन जब सुमति ने ऐसा कहा लेखक से कि मैं आसपास में गांवों में जाकर आ जाऊं क्या, तो लेखक ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि लेखक ने कहा कि आप वहाँ जाएंगे, इधर उधर के गांवों में जाएंगे, बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाएगा, टाइम अपना खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, वहाँ मत जाओ, किसी के घर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी दक्षिणा, जितना भी खर्चा पानी, रुपया पैसा आपको मिलने वाला था, उतना पैसा मैं आपको दे दूंगा। किसने कहा, लेखक ने कहा, ठीक है। तो सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहता था, क्यों जाना चाहता था, गंडे और ताबीज बेचने के लिए। लेकिन लेखक ने मना कर दिया, क्यों मना कर दिया, कि वो नहीं चाहते, लेखक राहुल सांकृत्याय नहीं चाहते थे कि वहां जाने पर सुमति का टाइम वेस्ट हो जाए और हमारा भी टाइम व्यर्थ चला जाए, ठीक है। तो इसलिए लेखक ने मना कर दिया। फिर उसके बाद लेखक आगे चले, आगे की यात्रा के लिए चले, तो वहाँ उनको भारवाहक नहीं मिला, मालवाहक या भरिया नहीं मिला। भरिया का मतलब है भार ढोने वाले, कुली कह सकते हैं जिसको। तो वहाँ पर कोई कुली उस दिन नहीं था, कोई भरिया या भारवाहक नहीं था। इसलिए लेखक ने कहा कि भरिया नहीं मिलने पर लेखक ने खुद ही सामान उठाया, जितने भी लोग थे वो अपना अपना सामान खुद ही उठाने लगे और आगे चलने लगे। तब फिर आगे जब लेखक और उनके जो मित्र थे, उनके साथी थे, वो जा रहे थे, तब सुमति ने फिर से कहा कि आपने मुझे जाने नहीं दिया आसपास के गांव में, मैं अब अपने यजमानों से मिलना चाहता था, वहां उनके गंडे ताबीज बेचना चाहता था, आपने वहां नहीं जाने दिया। लेकिन सुमति ने क्या कहा कि शेकर विहार में चलते हैं, ये तो पास में ही पड़ेगा, वहां जाकर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो सुमति के कहने पर वो सब कहाँ गए, शेकर विहार में चले गए, ये स्थान का नाम है शेकर विहार। तो वो शेकर विहार में गए, तो वहां क्या होता है, और उसके बारे में क्या कहा है कि शेकर विहार का एक भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु, शेकर विहार का एक बौद्ध भिक्षु है नमसे,
भिक्षु मतलब साधु, जो बौद्ध धर्म का साधु है, उसका शेखर विहार का कौन है, नमसे है। उस नमसे से वो मिले और लेखक ने कहा है कि जो वहाँ का शेखर विहार का जो बौद्ध भिक्षु था नमसे, ये बड़ा भद्र पुरुष था, जेंटलमैन था, ठीक है, सभ्य पुरुष था वो, ठीक है। तो यहाँ ये जो हर एरिए के भिक्षु बनाए गए हैं उनको इंचार्ज बनाया गया है, प्रभारी बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, किस प्रकार, तो समझिए कि लेखक ने कहा है कि तिब्बत की जो जमीन है, अधिकांश जो जमीन है तिब्बत की, वहां पर वो जागीरों में बटी हुई है, ठीक है ना, कि भाई ये अलग जागीर है, ये अलग जागीर है, ये अलग, इस प्रकार उनको एरियों में बांटा गया है। और हर जागीर के, हर जगह के, हर जमीन के क्या हो जाएंगे, हर जागीर का एक एक जागीरदार होगा, उसका मालिक हो जाएगा, ठीक है ना, हर जागीर का अलग अलग मालिक। तो तिब्बत की जमीन बहुत सी जागीरों में बटी है, और उन जागीरों में का क्या, कौन होता है मालिक, जागीरदार होता है। वो जागीरदार क्या करता है, बेगारी करवाता है, बेगारी का मतलब मजदूरी करवाता है, खेती करवाता है लोगों से, गुलाम बनाकर रख लेता है, और जो है बेगारी का मतलब हो गया उनको वेतन नहीं देना या बिल्कुल कम वेतन देना, उसको कहते हैं बेगारी करवाना। तो वो जो जागीरदार हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मजदूर रखते हैं और मजदूरों से वो बेगारी करवाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और फिर उसके बाद में लेखक ने कहा है कि वो जो जागीर थे, हर जागीरों में क्या होता है, हर जागीरों का हिस्सा मठों के हाथ में होता है, ठीक ना। उन जागीरों का मालिक कौन होता है, जागीरदार होता है, लेकिन उन जागीरों पर मठों का भी अधिकार होता है, मठ का, मठ भी कह सकते हैं, विहार भी कह सकते हैं। और मठ का तात्पर्य क्या है कि बौद्ध धर्म के एक आश्रम हो गए एक तरीके से, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो आश्रम हैं उनको मठ कहा जाएगा या विहार कहा जाएगा, ठीक है ना। तो उन सभी जागीरों पर किसका अधिकार था, मठों का भी अधिकार था। तो वो जो मठ थे वहां से कोई ना कोई एक भिक्षु आता था, ठीक है, इंतजाम देखने के लिए एक भिक्षु को जागीर में भेजा जाता था कि ठीक प्रकार से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खेती हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो हर मठों से, हर एरिया में, हर क्षेत्र में, हर जागीर पर इंतजाम देखने के लिए हर भिक्षु को भेजा जाता था, साधु को भेजा जाता था। तो वो साधु कैसा समझा जाता था, राजा के समान उसको आदर दिया जाता था, उसको राजा समझा जाता था एक तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि पूजनीय होता था, ठीक है। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में, हर जागीर में एक जागीरदार भी होता था, एक भिक्षु भी होता था उसके इंतजाम को देखने के लिए। और हम जिस क्षेत्र में गए, शेखर विहार, उस क्षेत्र में भी हम उसके भिक्षु से मिले, उसका नाम नमसे था और उसका राजा के समान उसको आदर दिया जाता था, और वे एक भद्र पुरुष थे, ठीक है, सभ्य पुरुष वो थे। तो उसके बाद में वहाँ लेखक ने कहा है कि वहाँ एक मंदिर भी था, और मंदिर में कंजूर की 103 पोथियाँ पड़ी हुई थी। तो वहाँ एक मंदिर था, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और वहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित, कंजूर का मतलब बुद्ध के वचनों की, बुद्ध ने जो, महात्मा बुद्ध ने जो वचन कहे हैं उनके वचनों की 103 पोथियाँ पड़ी हुई है। पोथी का मतलब ऐसी पुस्तक जिसको हाथ से लिखा जाए, वो प्रिंट नहीं होती है, मुद्रित नहीं होती है, पहले क्या है वो अपने हाथ से लिखते थे, ठीक है ना। तो उस मंदिर में कंजूर की यानी बुद्ध के वचनों की 103 पोथियाँ रखी हुई थी, और उनका कागज, वो पोथियों की क्या विशेषता थी, उनका मोटा कागज था, यानी बहुत लंबे वर्षों तक वो काम में ली जा सके, इसलिए उनका कागज मोटा था, और एक एक जो पोथी थी उनका वजन था 15 सेर, एक पोथी का वजन कितना है, 15 सेर, ठीक है ना। तो इस प्रकार की पोथियाँ वहाँ रखी हुई थी, और लेखक भी वहाँ देखकर उसको प्रसन्नता हुई, क्योंकि लेखक को भी, लेखक ने भी वहाँ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था श्रीलंका में,
तो इसलिए लेखक को भी उस धर्म के बारे में जानने में रुचि थी। इसलिए लेखक ने जब ऐसी पुस्तकें देखी, पोथियां देखी, तो बड़ा आकर्षित हुआ और उन पुस्तकों को वो देखने लगा, पढ़ने लगा। और इतनी ज़्यादा उन्होंने आकर्षित की किया पुस्तकों ने कि वो लेखक उनमें डूब गया और वो उनमें आत्मलीन हो गया। और जब लेखक ने कहा है कि लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी, ठीक है, एक बार पहले पूछा था, ठीक है ना, सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहता था, उस समय तो लेखक ने मना कर दिया था, लेकिन फिर से सुमति ने पूछा कि मैं यजमानों के पास जाकर आ जाऊं क्या, दोबारा पूछ लिया, तो लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी, अब की बार दे दी। दूसरी बार पूछने पर लेखक ने कहा कि आप जा सकते हो अपने यजमानों के पास में। क्यों कह दिया, दोबारा क्यों कह दिया, क्योंकि लेखक उस समय पुस्तकों के भीतर चला गया था। पुस्तकों के भीतर इसका मतलब क्या है, किताबों के भीतर जाने का क्या तात्पर्य है, कि वो किताबें पढ़ने में, पुस्तकें पढ़ने में वो लीन हो गया था, उसको अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था उसको, तो उन किताबों को, पुस्तकों को पढ़ने में, उसके ज्ञान को ग्रहण करने में वो शायद इतना लीन हो गया था कि वो और ज़्यादा समय लेखक उनमें बिताना चाहता था। इसलिए लेखक ने सुमति को भी अपने यजमानों के पास जाने के लिए कह दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लेखक ने कुछ वहाँ अपनी तिब्बत की यात्रा के बारे में बताया है कि वहाँ किस प्रकार का मार्ग था, तिब्बत का समाज कैसा था, ठीक है ना, ये बातें यहाँ पर की है। कुछ बातें समझते हैं फिर से, जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, एक तो कहा गया है कि लेखक अपने साथियों से क्यों पिछड़ गया था, ठीक है, यहाँ पहली बात दी गई है कि लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया। क्यों पिछड़ गया, कि उसका घोड़ा धीरे चलने लगा था और जब वो पीछे रह गया तो उसने गलत मार्ग को अपना लिया, ठीक है, तो वहाँ से वापस आने में उसको बहुत समय लग गया, इसलिए लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया था। और दूसरी बात क्या है कि सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहता था, तो पहली बार जब लेखक से पूछा तो पहली बार तो लेखक ने मना क्यों कर दिया, और दूसरी बार जब पूछा तो लेखक ने जाने के लिए हाँ क्यों कर दिया, ये क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे कि सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहता था तो लेखक ने इसलिए मना किया कि वहाँ जाने पर बहुत ज़्यादा समय बेकार चला जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए लेखक ने मना कर दिया। और दूसरी बार सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति लेखक ने दे दी। क्यों दे दी, क्योंकि उस समय लेखक पुस्तकों के भीतर चला गया था, अर्थात उन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में लीन हो गया था। तो इस प्रकार से कुछ इस पाठ की हमने कुछ प्रमुख बातें समझी है। धन्यवाद।